ऋषि कश्यप, माँ सरस्वती और हमारे वेद उपनिषदों की धरती कश्मीर, जिस जगह को एक टाइम पर सेंटर ऑफ नॉलेज बोला जाता था, जहाँ वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट माइंड्स आकर अपनी रिसर्च किया करते थे। यही स्वर्ग जैसी जगह पिछले कुछ डेकेड से नर्क बनी हुई है। पर आज से कुछ साल पहले इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने इंडिया, पाकिस्तान समेत कई देशों में तहलका मचा दिया और कश्मीर का आने वाला फ्यूचर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। द इवेंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को पूरी तरह से हटा दिया जाना। कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। कश्मीर, इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। जो हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वापस कब आएगा? जल्दी। कुछ लोगों का मानना था कि आर्टिकल 370 को हटाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। अरे मैडम, 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। बट देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम एंड सेड, बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ये तो मोए मोए हो गया। अभी कश्मीर फाइल्स देखे काफी समय हो गया, इसलिए आर्टिकल 370 एग्जैक्टली क्या है इसको फिर से जान लेते हैं। इसलिए चलो थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। ये बात हो रही है इंडिया के इंडिपेंडेंस यानी 1947 की, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे। अभी राजाओं की बहुत सारी रियासतें थी, रजवाड़े थे, और उनके पास चॉइस थी कि भाई 14 अगस्त की रात को दो देश बन रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इनमें से आप जिसके भी साथ जुड़ना चाहते हो आप जुड़ सकते हो, या फिर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रह सकते हो। अभी इतना बड़ा देश बनना, इतनी सारी रियासतों को जोड़ना, ये कोई मजाक बात तो थी नहीं। और इस मुश्किल काम को दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। तो पटेल जी ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से निभाया और सारी किंगडम्स को इंडिया से जोड़ दिया। पर तीन प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जहां पर आकर बात अटक रही थी, विच वॉज जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर। बाद में चलकर पटेल साहब ने जूनागढ़ और हैदराबाद को अपने हिसाब से टैकल कर लिया। इवेंचुअली ये पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप मैप में देखो तो जूनागढ़ और हैदराबाद पाकिस्तान से जुड़ ही नहीं सकते थे। अदरवाइज इंडिया के मैप में अभी हमको दो और नए बांग्लादेश देखने को मिलते। पर कश्मीर एक ऐसी जगह पर था जहां पर इंडिया और पाकिस्तान अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, जो ना तो इंडिया से जुड़ना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान से। उन्हें अपनी गद्दी प्यारी थी और वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जिन्ना और पाकिस्तानियों का कश्मीर को लेकर ऑब्सेशन बढ़ता गया, और वो एनी हाउ कश्मीर चाहते थे, जस्ट लाइक रोडीज के कंटेस्टेंट्स एनी हाउ खुद को प्रूफ करना चाहते हैं ऑडिशंस में। फिर वो डायरेक्टली कश्मीर में अटैक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो थी अंग्रेजों के हाथ में थी, वो डिसीजंस ले रहे थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उसने 10,000 लोगों की एक आजाद कश्मीर फौज खड़ी कर दी। मतलब जो दिखते एकदम सिविलियंस की तरह थे, उनका आउटलुक जो था एकदम सिविलियंस की तरह था, और इस आजाद कश्मीर फौज ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। वहीं काफी समय लेने के बाद राजा हरि सिंह ने ये डिसीजन लिया कि वो अपनी किंगडम जम्मू कश्मीर को इंडिया से जोड़ना चाहते हैं, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। ये वही डॉक्यूमेंट था जब इंडिया ने बाकी रियासतों को अपने साथ जोड़ा था, तो बाकी राजाओं ने भी इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया था कि भाई वो अपनी मर्जी से इंडिया को चूज करते हैं और अब उनके स्टेट्स इंडिया का एक अभिन्न भाग बन जाएंगे। अब हमला होने के बाद इंडिया ने भी अपनी फोर्सेस कश्मीर भेजी, क्योंकि कश्मीर अब इंडिया का पार्ट बन चुका था, और पाकिस्तानियों को पीछे करना शुरू कर दिया। काफी लंबे समय तक ये लड़ाई चली। इंडियन फोर्सेस कश्मीर का बहुत सारा एरिया कैप्चर कर चुकी थी, लेकिन फिर इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी को रिजोल्व करवाने के लिए
नेहरू जी यूएन चले गए। उनका मानना था कि पीसफुल तरीकों से ही इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया जाना चाहिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर पर एक स्पेशल प्रोविजन भी लगा दिया। तब से लेकर आज तक जिस पॉइंट पर लड़ाई रुकी है उसे LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जिस एरिया में पाकिस्तान है उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। लोगों का मानना है कि भाई जब लड़ाई चल ही रही थी तो थोड़ा और रुक जाना चाहिए था और अपना पूरा का पूरा लैंड कैप्चर कर लेना चाहिए था, और नेहरू जी ने जो ये स्पेशल प्रोविजन लगाया था, इस स्पेशल प्रोविजन की वजह से आप समझिए कि ऑलमोस्ट 70 साल भारत में दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस चल रहे थे। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया के सारे स्टेट्स फॉलो करेंगे और एक जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू कश्मीर फॉलो करेगा। आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर का खुद का एक फ्लैग था, वो कुछ भी रूल्स बदल सकते थे रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, प्रॉपर्टी ओनरशिप या फिर परमानेंट रेजिडेंसी। बस कश्मीर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशंस को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता था क्योंकि इनके सारे डिसीजंस अभी भी इंडिया के हाथ में थे। और इसी बीच हमें कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद, ह्यूमन जेनोसाइड, रेडिकलाइजेशन, ये सब देखने को मिलता है। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक मूवी देखी थी हैदर, जिसमें नो डाउट शाहिद कपूर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। कैशियर के सिर पे पिस्तौल रखी और बोला पैसे दे वरना मौत ले। कैशियर ने झट से उठा के सारे पैसे डकैत को दे दिए। डकैत वही पैसे लेकर अगले काउंटर पे गया। Excuse me, एक फॉर्म दीजिए, मुझे अकाउंट खोलना है। लेकिन जब मैं आज सोचता हूँ कि किस आइडियोलॉजी के साथ वो मूवी बनी थी, हे भगवान, क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान। फिर फाइनली 2019 में आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को एब्रोगेट किया गया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर दो भाग में डिवाइड हो गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और इन दोनों को ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर्टिकल 370 हट जाने के बाद जो कश्मीर वैली में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो कश्मीर के फ्यूचर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। जैसे कि आजादी के लगभग 75 साल बाद कश्मीर का पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, वो भी एक अरेबिक कंट्री UAE से। इसमें दुबई का इमार ग्रुप, जिसने बुर्ज खलीफा जैसा आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनाया है, वो कश्मीर में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एक मॉल बनाने वाला है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया के बड़े बड़े प्राइवेट रियल स्टेट डेवलपर्स से 18,300 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट रिसीव करनी शुरू कर दी है, जो जम्मू एंड कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल कर रख देगा। 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज और दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बन चुका है। फिर 25 नेशनल हाईवे, 4 ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाई गई हैं, जिसकी मदद से इंडियन आर्मी बहुत ही कम समय में बॉर्डर तक पहुंच सकेगी। अमेजिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो ट्रांसपोर्टेशन इजी कर देगा, एंड अल्टीमेटली इन सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। फिर इजी रोड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लॉजिस्टिक्स में भी एक बहुत ही मैसिव जंप आया है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स और गुड्स इजीली कश्मीर तक पहुंच पाएंगे, रिजल्टिंग इन सेटअप ऑफ न्यूमरस फैक्ट्रीज। इवन 30 सालों में पहली बार रिसेंटली कश्मीर में मूवी थिएटर्स भी ओपन हो गए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एम्स, IIT, IIM और 7 मेडिकल कॉलेज का डेवलपमेंट भी शुरू हो चुका है, जबकि आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर में 6-6 महीनों तक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहते थे। मतलब आप समझ लो भैया कि राइट टू एजुकेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। एवरी ईयर टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और हर साल टूरिस्ट विजिटर्स के नए रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। फिर वही अगर आप POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ देखोगे तो वहाँ के हालात तो बस से बदतर होते जा रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट POK के एरियाज के लोगों को थर्ड क्लास सिटीजंस की तरह ट्रीट कर रही है। नो फूड, नो इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक नीड्स की चीजें नहीं है, मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेज हो रखी है। इन शॉर्ट वहाँ के लोगों को एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यही लोग जो पाकिस्तान की मिलिट्री के इशारों पर नाचते थे और जो हम इंडियंस को काफिर बुलाते थे, उनका पूरा का पूरा नैरेटिव अब बदल चुका है। अब वो मोदी जी को गले लगाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना चाहते हैं। आम जनता पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नाराज है। POK के लोकल लीडर्स इंडिया से जुड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे हालात अभी POK के हैं, वहां के लोग भाग के कारगिल के रास्ते से इंडिया में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस नर्क में ये लोग जी रहे हैं ना, इंडिया इन्हें बचा सकता है। अगर तुम रास्ते में टाउन पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे।
अल्टीमेटली यू कैन से आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है, वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर डिस्टेबलाइज हो रहा है। फिर रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में दो नए बिल्स पास किए हैं और पीओके में 24 सीट्स रिजर्व कर दी हैं। यू कैन सी 24 सीट्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रिजर्व सिंस इट्स आर्स अमित शाह, मतलब आने वाले जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में पीओके की 24 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। भाई टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर तो पूरा हमारा ही है क्योंकि राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था, पर पाकिस्तान ने तब भी आधी लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा वीक पोजीशन में होगा और पीओके और भी ज्यादा अनस्टेबल होता है, प्लस पीओके के बड़े लीडर्स अगर इंडिया से जुड़ने का सपोर्ट करने लगते हैं तो हो सकता है कि शायद पीओके को इंडिया से जोड़ लिया जाए। काफी चैलेंजिंग इवेंट जरूर होगा, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि सक्सेसफुल होगा जरूर। और ये एग्जैक्टली होगा ऐसे इसकी डिटेल्स इसकी प्लानिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जानती है, पर सोचने वाली बात तो यहां पर यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस से इंडिया में जोड़ लेता है तो पाकिस्तान का नाजायज बाप चाइना क्या करेगा, क्योंकि पीओके का कुछ हिस्सा इनके पास भी तो है ना, यहां से इन्होंने सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है। आपके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने में इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कमेंट डाउन बिलो। एंड रिसेंटली अडानी ग्रुप इज वर्किंग ऑन अ रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट जो जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की पोर्ट इंडस्ट्री में पूरी तरह से तहलका मचा रहा है। एंड एज एन इंडियन सिटीजन आपको भी इस रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। एंड विद दिस सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट एंड चेकिंग आउट माई प्रीवियस कॉन्टेंट एज वेल। तब तक के लिए जय हिंद।